देखिए दोस्तों, हेल्थ केयर सपोर्ट में ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के एम से, ग्लोबल डिसीज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के एम से और हेल्थ सेक्टर में नई नई रिसर्च लेकर आने के मद्देनज़र एक सपना लेकर एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। और इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम भी यही था कि डिफरेंट हमारी कंट्रीज़ हैं उनको साथ लेकर चलना और एक ग्लोबल पेंडेमिक जब फैले तो उसमें सपोर्ट करना। लेकिन यहाँ पर जो पेंडेमिक इस टाइम पर करंट में है, जो COVID-19 जिसको नाम दिया गया है WHO, जिसको चाइनीज वायरस भी बोलते हैं बहुत सारे नेशन, तो इस पेंडेमिक में WHO पूरी तरीके से फेल हो गया है। और इस फेलियर के मद्देनजर रखते हुए, या फेलियर कहें या बाइसनेस्ट कहें टुवर्ड्स चाइना, डोनाल्ड ट्रंप जो हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि जो अमेरिका से होने वाला कंट्रीब्यूशन है WHO के स्टेक में, जो 14.67% है, बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेक है, वो रोक दिया जाएगा। और इससे बहुत बड़ा झटका लगेगा जो हमारा WHO है, बिकॉज WHO में सबसे बड़ा फंड ही जो आता है, जो कंट्रीब्यूशन आता है, वो अमेरिका की तरफ से आता है। और 14.67% तो वहाँ की सरकार करती है, वहाँ पर बहुत सारे NGOs हैं, वहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे बिल गेट्स है, उनकी जो NGO है वो भी 10% जो है कंट्रीब्यूशन करती है, जो हमारा WHO का जो फुल हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट कंट्रीज से, जैसे UK का 7% है, वर्ल्ड बैंक से भी आता है फंड, जिसमें भी अमेरिका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन देता है और डायरेक्टली रेफर हो जाता है जो WHO को। तो इस कदम को बहुत ही बड़ा बताया जा रहा है कि चाइना, अमेरिका फाइट अगेंस्ट चाइना। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से कि चाइना का यहां पर अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा आश्चर्य हो जाओगे कि कहीं पर जहां पर जो अमेरिका है उसका 14.67% है, तो चाइना का 0.21% कंट्रीब्यूशन है WHO में। फिर भी जो हमारे WHO के चीफ है न्यूलोन, उन्होंने इतनी ज्यादा बायसनेस दिखाई चाइना के प्रति, जहां पर इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो 0.46% है, जो ज्यादा है चाइना से। पाकिस्तान का भी इवन ज्यादा है, 0.36%। वहां पर चाइना के जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके प्रति इतनी बायसनेस, उसके प्रति इतनी समर्पित हो जाना एक WHO के ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक बहुत ही ज्यादा सवाल खड़े करता है। और यही डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, स्टैंड है, कि दे वांट इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट WHO एंड WHO चीफ। तो यहाँ पर जो हमारा जो चाइनीज, देखिए सबसे पहली बात निकल कर जब आती है, जब WHO के जो चीफ हैं, जब सब कंट्रीज़ ने, बहुत सारी कंट्रीज़ ने जब ये कहा कि हम ट्रैवल बैन करना चाहते हैं और अपनी फ्लाइट्स बैन करना चाहते हैं चाइनीज़ टूरिस्ट का यहाँ पर आना, तो उस टाइम पर भी जो हमारे WHO के चीफ थी, उनकी स्टेटमेंट आई कि नहीं, इससे बहुत ज़्यादा रेसिज्म और बहुत ज़्यादा पेंडेमिक खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो 20,000 केस हैं और इसको मापने में वो बहुत ज़्यादा असफल रहे WHO। और उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट के कहने पर ये सब किया, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, मैं सिर्फ आपको सजेशंस दे सकता हूं, मैं आपको सिर्फ अपने सुझाव बता सकता हूं, डिसाइड आप कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, बात यहां पर निकल कर आती है कि जिस टाइम पर जापान ने, इवन जापान जो इस टाइम पर सबसे ज्यादा फाइटिंग एक हीरो निकल कर आया है, उन्होंने तो बैन कर दिया था WHO की स्टेटमेंट को दरकिनार करते हुए। तो और दूसरी चीज, जब सबसे दूसरा दोगलापन जो WHO को निकल कर आया, वो निकल कर आया जब बहुत सारी कंट्रीज ने, UK ने, इवन अमेरिका ने जब ये कहा कि ये चाइनीज वायरस है, वी विल कॉल इट एज चाइनीज वायरस और वुहान वायरस, तो WHO के चीफ ने ये बोला, इसको रिजेक्ट कर दिया इस आइडिया को, और इसको रेसिज्म कहा कि चाइनीज पीपल को इसको बाउंड करता है रेसिज्म के तहत, और ये चाहते हैं वो कि नहीं, इस चीज को COVID-19 का एक नाम दिया जाए। अब देखिए, जब स्पेनिश फ्लू आया था, जब बहुत से, तो उस टाइम पर उसका नाम सिर्फ स्पेनिश फ्लू के नाम से रखा गया था। कोरोना वायरस आया था तो ये अरब कंट्री से आया था, तो इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया था, ठीक है, अरब फ्लू भी इसको बोलते हैं। तो क्यों, जब चाइना से कोई चीज वायरस निकली है तो उसको चाइनीज वायरस क्यों नहीं बुला सकते, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। ये वही सवाल है जिस तरीके से हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म वर्ड यूज कर दिया गया है और सेलेक्टिव टॉपिक्स के ऊपर बोला जा सकता है, तो ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इस चीज को देखा जा रहा है, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इतनी सारी जब इतना स्टेक बंद हो जाएगा, जब WHO का इतना बड़ा फंड रुक जाएगा, तो उसके बाद इसके इफेक्ट क्या होंगे। उसके इफेक्ट ये होंगे कि जैसे स्मॉल कंट्रीज हैं, जैसे बहुत सारी, जैसे युगांडा है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे हमारी श्रीलंका है, जैसे हमारा, और बहुत ज्यादा अगर आप गल्फ कंट्रीज में भी देखें तो बहुत, वेनेजुएला सबसे इफेक्टेड कंट्रीज है इस टाइम पर, तो इन कंट्रीज को जो सपोर्ट मिलती है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, जो हेल्थ केयर सपोर्ट मिलती है, वो रुक जाएगी मेरे हिसाब से, बिकॉज जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम इन्वेस्ट आगे क्या करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें खड़ी होती हैं कि देखिए इस टाइम पर बहुत वर्ल्ड इकोनॉमी इस टाइम पर रिसेशन में है और इस टाइम पर सबको ही हर कंट्री इतना झेल रही है, तो क्या अमेरिका का ये कदम उठाना इस टाइम पर ज़रूरी था? और अगर ज़रूरी था, अगर मेरा मानना है कि जब ये पेंडेमिक गुजर जाता, जब ये बिल्कुल ठीक हो जाता, जब हम थोड़ा सा एग्जिस्टेंस में आ जाते, तब तो स्मॉल कंट्रीज़ के लिए ठीक भी होता, क्योंकि उस टाइम पर अमेरिका कुछ भी कर सकता था, अमेरिका कैन टेक एक्शन। बट एट दिस टाइम क्या ये ठीक था कदम? तो डिसाइड आप कीजिए। दैट्स इट फॉर फ्रॉम माई साइड, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।